नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है और भारत का भूगोल विषय लेकर मैं हूं आपके साथ आकाश से। एफटीआर सीरीज के अंतर्गत भारत के भूगोल विषय पर आधारित यह चौथा वीडियो है और इस वीडियो पर हम भारत के भूगोल के जलवायु, वनस्पति, मृदा एवं चट्टान वाले टॉपिक के एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू जब डील किया जाएगा तो उसका उद्देश्य ये होगा कि हम एग्जाम के पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें, साथ ही साथ एमसीक्यू डील करते समय हम उस टॉपिक के कोर को समझने का प्रयास करें, बहुत फास्ट तरीके से रिवाइज करने का प्रयास करें। तो चलिए बिना विलंब किए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं और सबसे पहला प्रश्न आधारित होगा जलवायु पर और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्लियर है। पहला कथन अभी कथन है या दावा है और कहता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। पहले कथन पे भारत की जलवायु की व्याख्या की गई है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है और इस दावे के पीछे कारण या तर्क दिया गया है कि भारत क्योंकि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, क्लियर है। अब हमें इन दोनों कथनों की, इन दोनों ही स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, इसकी सत्यता को जांचना है और फिर सत्यता जांचने के बाद हमें दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करते हुए सही उत्तर तक पहुंचना है, क्लियर है। देखिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जरूर है, पहला कथन बिल्कुल सही है। चलिए काम करते हैं कि हम भारत की मानसूनी जलवायु के ऊपर एक बहुत ही फास्ट तरीके से रिविजन या ब्रीफ देख लेते हैं। मानसून क्लियर, मानसून का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मानसून का शाब्दिक अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतुवत प्रत्यावर्तन होना। इसे मैं लिखूंगा नहीं लेकिन आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे जरूर, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी एक बार भी पढ़ा होगा। तो मानसून का शाब्दिक अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतुवत प्रत्यावर्तन होना और ये पवनों की दिशा का ऋतुवत प्रत्यावर्तन हम भारत में काफी वृहद तौर पर देखते हैं और इसी कारण से भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए जब हम भारत के मानचित्र पर देखें तो भारत के मानचित्र को यहां पर एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं पहले। क्लियर, देखिए जब हम जून की स्थिति पर बात करते हैं, जून में हमने देखा है कि सूर्य अपने उत्तरायण पर है। सूर्य कहां पर है? उत्तरायण पर है, क्लियर है। और जून में ऐसी स्थिति बनती है कि कर्क रेखा के ऊपर लगभग 22 जून के आसपास की बात है, कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य रेखा होगी, सूर्य रेखा यह लंबवत गिरेगी या परपेंडिकुलर गिरेगी, क्लियर है। और जहां पर सूर्य की रेखा परपेंडिकुलर गिरती है उस स्थान पर हम ITCZ की स्थिति देखते हैं जिसे आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यह एक निम्न वायु दाब की पट्टी होती है या फिर आप कह सकते हैं लो प्रेशर बेल्ट होती है, क्लियर है। अब हमें यह भी पता है कि कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में बांटती है तो इस आधार पर क्या होगा कि ITCZ की स्थिति जो होगी वो भारत में हमें देखने को मिलेगी, क्लियर है। ITCZ की स्थिति भारत के उत्तरी भाग पर दिखेगी या फिर कर्क रेखा के इर्द गिर्द दिखेगी क्योंकि कर्क रेखा भी भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। ITCZ हमें यहां देखने को मिलता है। कब? जून के आसपास की बात है जब सूर्य अपने उत्तरायण पर है और यह निम्न वायु दाब या लो प्रेशर बेल्ट की आप यहां पर पट्टी इसे कह सकते हैं। अब इस वजह से होता क्या है कि इंडियन ओशियन पर या हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब का निर्माण होता है क्योंकि अभी सूर्य रेखा लंबवत यहां पर है और सूर्य तापन अधिक ग्रहण होने की वजह से यहां पर तापमान अधिक होता है, पवनें हल्की होती है और लो प्रेशर बना हुआ है और इस स्थान पर सूर्य रेखा की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है वो कम देखने को मिलती है और इस कारण से यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट निर्मित हो जाता है।
अब इससे होगा क्या कि पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती हैं, गतिमान होती हैं या मूव होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अब ये आप क्या देख रहे होंगे कि इस समय पे जून जुलाई के आसपास में आपको पवने भारत में प्रवेश करती हुई दिखेंगे। अब चूंकि ये पवने भारत के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हुई दिखती है, इसलिए ही इसे साउथ वेस्ट मॉनसून या फिर दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी कहा जाता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? अर्थात जून के आसपास में या फिर आप ऋतु के आधार पर अगर कहें तो ग्रीष्म ऋतु के समय हमने पवनों की दिशा को देखा भारत की ओर आते हुए। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे समय आगे बढ़ता है और जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आने लगता है, या फिर आप ये कहें कि दिसंबर नवंबर दिसंबर के आसपास में जब यह आईटीसीजेड की पट्टी क्या होगी, दक्षिण की ओर चली जाएगी। आईटीसीजेड दक्षिण की ओर चली जाएगी और ये और भी दक्षिण ये पट्टी की स्थिति बनती है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी स्क्रीन में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है, आईटीसीजेड दक्षिण की ओर स्थित हो जाती है क्योंकि सूर्य अपने दक्षिणायन पर चला जाता है, सूर्य उत्तरायण पर है तो नवंबर दिसंबर के समय सूर्य दक्षिणायन पर चला जाएगा और सूर्य रेखा को लंबवत हम गिरते हुए देखेंगे मकर रेखा के ऊपर। तो इस प्रकार से आईटीसीजेड की स्थिति भी दक्षिणी गोलार्ध पर हो जाती है और हमें ये निम्न वायु दाब की पट्टी जो भारत में देखने को मिल रही थी जून के आसपास में, वो निम्न वायु दाब की पट्टी देखने को मिलती है दक्षिणी गोलार्ध पर और स्थिति विपरीत हो जाती है भारत के परिप्रेक्ष्य में और भारत में उच्च वायु दाब का निर्माण हो जाता है क्योंकि नवंबर दिसंबर के आसपास में यहां पर तापमान कम ग्रहण हो रहा है क्योंकि सूर्य की रेखा यहां पर पहुंचने में काफी लंबा समय लगा रही है। तो जब हम यहां पर देखते हैं कि स्थिति विपरीत हो गई, भारत में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर हो गया और जो लो प्रेशर बेल्ट था भारत में वो दक्षिण की ओर चला गया, तो पवनों की दिशा भी अपना जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देंगी, अपनी दिशा को परिवर्तित कर देंगी, विपरीत दिशा में बहने लगेंगे और नवंबर दिसंबर के आसपास हम क्या देखेंगे कि पवनों की दिशा भारत से दूर जा रही है। जून के आसपास में या ग्रीष्म ऋतु के समय जो पवने भारत की ओर चली आ रही थी शीत ऋतु पर ठंडी के समय, ये पवने भारत से दूर चली जा रही है और मॉनसून के शाब्दिक अर्थ को जैसे कि मैंने आपको बताया था शाब्दिक अर्थ को कि मॉनसून का तात्पर्य क्या है, तो ऋतुवत प्रत्यावर्तन होना पवनों की दिशा पर। ग्रीष्म ऋतु पर पवनों की दिशा कुछ इस प्रकार से और जब ऋतु बदला, जब शीत ऋतु आया, तब पवनों की दिशा पर हमें प्रत्यावर्तन या रिवर्सल देखने को मिल रहा है और ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी वृहद काफी विकसित तौर पर देखने को मिलता है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्लियर है, ये तो हमने समझ लिया कि भारत के जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। अब बात ये आती है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये उष्णकटिबंधीय का क्या तात्पर्य है। देखिए जब हम पृथ्वी को तापमान के आधार पर विभाजित कर देते हैं तो सबसे मध्य में जो रेखा गुजरती है उसे आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्लियर है, उसके बाद दक्षिण में आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी और दक्षिण पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको अंटार्कटिक देखने को मिलेगा, अंटार्कटिक सर्कल, बट उसकी व्याख्या ना करें तो ज्यादा बेहतर क्योंकि जरूरत नहीं पड़ने वाला। जब हम उत्तरी गोलार्ध पर चलते हैं तो कर्क रेखा हमें देखने को मिलेगा और उसके ऊपर पर हमें आर्कटिक सर्कल और यहां पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर नॉर्थ पोल साउथ पोल देखने को मिलेगा। अब इस स्थान को अर्थात लगभग कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के स्थान को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर हमें तापमान अधिक देखने को मिलता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? जब हम और उत्तर में चलते हैं जब तापमान कम होता है तब हमें यहां पर उपोष्ण या फिर आप कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर अब ठंडा हो गया, शीत अर्थात ठंडा तापमान। अब भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय कहीं अगर जा रही है तो देखिए ध्यान रखिएगा कि भारत के मानचित्र को जब आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये मानचित्र बनेगा, कर्क रेखा बीच से गुजरता है तो भारत का दक्षिणी भाग ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है लेकिन जो उत्तर का भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या अक्षांशों के मध्य नहीं आता,
ये ऊपर की ओर उसका जो उत्तर वाला भाग है वो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर चला जाता है। आ रही बात समझ में? लेकिन फिर भी भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि भारत का लगभग आधा भाग ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, आधा भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसून इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय जो कि स्थित है भारत के उत्तर में, ये शीतोष्ण प्रभावों को भारत में प्रवेश करने से रोक देता है। क्लियर है? हालांकि अक्षांशी स्थिति भारत की आप देखें तो भारत की अक्षांशी स्थिति उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन जलवायु के परिप्रेक्ष्य में हिमालय की वजह से हमें उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव भारत में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये हिमालय जो उत्तर की साइबेरियन विंड है, जो शीत लहरें हैं, उन्हें प्रवेश करने से रोक देता है। इसके बारे में हमने चर्चा पहले वीडियो में भी कर ली है। क्लियर है? तो इस जानकारी के आधार पर अगर हम सही उत्तर खोजें तो पहला जो दावा है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसके पीछे कारण है वो कारण गलत है, क्योंकि हमें पता है कि बीचों बीच स्थित नहीं है। फिर उष्णकटिबंधीय क्यों है? तो स्थल आकृति की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं हिमालय की उपस्थिति की वजह से। तो भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, फिर भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों शो करता है? हिमालय की उपस्थिति की वजह से। तो कथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर नहीं हो रही होगी तो कमेंट सेक्शन पर आप डाउट पूछेंगे, बिल्कुल मैं उसे क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? चलिए, ये भारत का मानचित्र है। क्लियर है? और जब मानसून भारत में प्रवेश करता है या ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, तब दक्षिण पश्चिम दिशा से इस मानसूनी पवन को हम आते हुए देखते हैं, इसलिए हम उसे साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्लियर है? और जब ये मानसून भारत में प्रवेश करती है या पवने जब प्रवेश करती हैं, तब ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा बन जाती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा बन जाती है। क्लियर है? चलिए, अरब सागर की शाखा पर अगर हम नजर डालें तो अरब सागर की शाखा सबसे पहले दक्षिण भाग पर टकराती है, या आप कह सकते हैं कि केरल में टकराती है। हालांकि यह शाखा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इन शाखाओं को, इन पवनों को ये बृहद तौर पर फैला हुआ पश्चिमी घाट रोक देता है। क्लियर है? पश्चिमी घाट इन पवनों को रोकता है और पर्वत कितकर वर्षा होता है पश्चिमी घाट में और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, और पश्चिमी घाट के पूर्व वाले भाग पर हमें वर्षा कम देखने को मिलता है, या फिर इसे ही आप कहते हैं पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। क्लियर है? अरब सागर की जो मध्यम भाग की शाखा होती है वह प्रवेश कर जाती है भारत के भागों पर, क्योंकि हमने यहां पर विंध्यन और सतपुड़ा को देखा है और इनके बीच में गैप्स होते हैं और इन गैप्स का सहारा लेकर ये पवने भारत के मुख्य भाग या प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? और उत्तरी शाखा अरावली के समांतर होकर बहती है, जिस कारण से हमें यहाँ पर थार मरुस्थल बनता हुआ दिखता है और हिमालय में टकराने के बाद पर्वतकृत वर्षा कराती है। और जब हम बंगाल की खाड़ी की शाखा देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, क्योंकि जब हम पश्चिमी घाट को देखते हैं तो पश्चिमी घाट के मध्य हमें गैप्स देखने को मिलता है और इन्हीं गैप्स को अपना मार्ग बनाकर यह पवने प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश कर जाती है, और प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों पर जो वर्षा होती है वो प्राय बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ये एक सामान्य सी जानकारी थी डेवलपमेंट ऑफ मानसून का, मानसून के वितरण का, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर होगा केरल, क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले ये दक्षिण भाग में मानसूनी पवने टकराती है। क्लियर है? तो सही उत्तर आप किसे चुनेंगे? सही उत्तर आप चुनेंगे केरल को, और लगभग ये 15 जून के आसपास केरल में मानसून के आगमन को हम देखते हैं। ठीक है, डेट फिक्स नहीं होता, कई बार वेरिएशन विसंगति देखने को मिलती है, लेकिन ये माना जाता है
कि 15 जून के आसपास में मानसून भारत में प्रवेश करती है और केरल राज्य में सबसे पहले वर्षा मानसून के द्वारा हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आधारित है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। देखिए ये जो मानचित्र आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इस मानचित्र पर आप पवनों की दिशा को भारत से दूर जाता हुआ देख रहे हैं या फिर भारत के मुख्य भाग से या भूमि वाले भाग से सागर की ओर जाता हुआ देख रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि यह मानचित्र, ये पवनों की दिशा भारत में किस समय की बात हो रही है, तो यह बात हो रही है नवंबर दिसंबर की। क्लियर है। जब ITCZ या निम्न वायु दाब की पेटी को हम कहां पर देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा पर देख रहे हैं। मकर रेखा पर अर्थात क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। और भारत में हम क्या देख रहे हैं इस ऋतु में या इस समय काल पर, भारत में हम उच्च वायु दाब को बना हुआ देख रहे हैं, जिस वजह से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवने बहेंगे और इसीलिए आप भारत से पवनों को बहता हुआ देख रहे हैं निम्न वायु दाब की तरफ, क्योंकि भारत में भी उच्च वायु दाब बना हुआ है। क्लियर है। अब इसे ही रिट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है, लौटता हुआ मॉनसून कहा जाता है इसे भारत के दृष्टिकोण में, क्योंकि मॉनसून अब भारत से वापस जा रहा है। अब इस वजह से होगा क्या कि इस बंगाल की खाड़ी से यह पवने आद्र ग्रहण करेंगी। क्लियर है। और आद्र ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु में वर्षा करते चली जाएंगी और इसलिए यह कहा जाता है कि तमिलनाडु में वर्षा हमें शीत ऋतु में देखने को मिलती है या फिर तमिलनाडु में वर्षा रिट्रीटिंग मॉनसून या लौटते हुए मॉनसून के समय होती है। क्लियर है। तो तमिलनाडु में वर्षा हमें कब देखने को मिलेगा, तो यह हमें देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर में और इसलिए सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाता है ऑप्शन डी। देखिए तमिलनाडु में जब ग्रीष्म ऋतु में मॉनसून वर्षा हम नहीं देख पाते, मॉनसूनी वर्षा ग्रीष्म ऋतु पर तमिलनाडु में नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर स्थित है पश्चिमी घाट और मॉनसूनी पवनों को यह पश्चिमी घाट रोक देती है और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तमिलनाडु में प्रवेश नहीं करती क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी की शाखा समांतर होकर बह जाती है इस तमिलनाडु राज्य से और तमिलनाडु राज्य में वर्षा हमें लौटते हुए मॉनसून के समय देखने को मिलता है या फिर नवंबर दिसंबर के समय देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मिट्टियों पर आधारित है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। क्लियर है। सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। और जिसे कहा जाता है रेगुर मिट्टी। क्लियर है, आ रही बात समझ में। और इसका विस्तार हमें सामान्य तौर पर कहां पर देखने को मिलेगा, दक्कन ट्रैप में, क्योंकि दक्कन ट्रैप एक स्थल आकृति है जिसका निर्माण हुआ है बेसाल्टिक लावा के शीतलीकरण से। क्लियर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आधारित है लैटराइट मिट्टियों पर। निम्नलिखित कतरों में से लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। लैटराइट मिट्टी के स्टेटमेंट पर जाने से पहले इसकी एक व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लैटराइट शब्द लिया गया है लेटर से, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। और इन मिट्टियों का जो इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, वो ईंटों के निर्माण के लिए होता है, ठीक है, सामान्य तौर से। अब इन मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण जलवायु पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर वर्षण की मात्रा वाष्पीकरण की मात्रा से अधिक होती है, अर्थात वर्षा वहां ज्यादा होगा, कहने का तात्पर्य है पानी ज्यादा गिरेगा, पानी कम वापस जाएगा वाष्पीकरण के रूप से, उस स्थान पर होगा क्या। तो मान लेते हैं एक हम सतह बना लेते हैं और यहां पर हम वर्षा कराते हैं,
ठीक है। अब इससे होगा क्या कि सतह पर जल संग्रहण होगा, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। और पानी जब यहां पर बहुत ज्यादा समय तक भरा रहेगा तो यह पानी धीरे धीरे सतह के अंदर रिसने लगेगा, जिसे हम प्रोसेस ऑफ लीचिंग या फिर निक्षालन की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है? तो यह पानी सतह के नीचे सिर्फ पानी के रूप में नहीं जाएगा, साथ ही साथ जो पोषक तत्व होते हैं मृदा के सबसे ऊपरी परत पर, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उसे भी ये जो पानी है, जो संग्रहित पानी है, वो नीचे लेकर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ लीचिंग, निक्षालन की प्रक्रिया। अब छालन भी इसे आप कह सकते हैं। क्लियर है? अब इससे होगा क्या कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो उर्वरकता निर्धारित करते हैं, वह भी क्या हो चुके हैं, अब सतह से हट चुके हैं, नीचे की ओर चले गए। और जिस स्थान पर यह निर्माण हमें देखने को मिलेगा, उस स्थान के लिए यह स्पेशल फीचर आप जरूर याद रखेंगे। जलवायु पर आधारित मृदाओं का निर्माण कई बार देखा गया है। चलिए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, वे आद्र अवक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। मैंने आपको बताया पानी ज्यादा चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत उत्तर, गलत स्टेटमेंट खोजना है। वो बहुत ही अवक्षालित मिट्टियां हैं, तो ये भी सही है, और इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। उनकी उर्वरकता कम होती है, बिल्कुल, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जब नीचे चले गए तो उसकी उर्वरकता बेशक कम हो जाएगी, और यह भी सही है, इसलिए यह भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, और इसलिए इस प्रश्न का ये सही उत्तर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से लैटराइट या फिर कई जितने भी प्रकार की मृदाएं हैं, उनकी विशेषताओं को आप जरूर याद रखेंगे। विशेषताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और ट्रेंड से थोड़ा सा अलग भी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न पीएससी में भी पूछा गया था। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? एक काम करते हैं, मृदा के वितरण के इस मानचित्र पर हम नजर डालते हैं। इस मानचित्र पर आप इस भाग को देख पा रहे होंगे, लाइट ग्रीन कलर का, क्लियर है? एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भारत के हर दिशाओं पर इस ग्रीन कलर को हम फैला हुआ दिख रहे हैं, और ये ग्रीन कलर क्या है, तो यह है जलोढ़ मृदा के विस्तारित भाग को दर्शाने वाला कलर है। क्लियर है? और जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 40% कुल मृदाओं का भाग जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा, वह होगा जलोढ़ मिट्टियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित यह प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो एक काम करते हैं, वनस्पति के वितरण पर आधारित इस मानचित्र को देखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसे जूम कर लिया जाए, ठीक। चलिए डेसीडस फॉरेस्ट या फिर पर्णपाती वन या वनस्पति, येलो कलर से आप देख रहे होंगे, क्लियर? यहां पर भी कुछ भागों पर आपको ये देखने को मिल रहा है। फिर आप देखें इस लाइट ग्रीन कलर वाले भाग को, जो कि मॉइस्ट डेसीडस या फिर आद पर्णपाती वनों को दिखा रहा है। ये आप इसका विस्तार यहां पर देख पा रहे होंगे। तो मोटे मोटे तौर से अगर आप भारत के वनस्पतियों के विस्तार की बात करें, तो भारत में सर्वाधिक वनस्पति का फैलाव हम देखते हैं पर्णपाती प्रकार के, और उसमें से भी दो भागों में इसे विभाजित किया जाता है। एक होता है शुष्क पर्णपाती और एक होता है आद्र पर्णपाती। तो सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है यह लाइट ग्रीन कलर वाला वनस्पति, जो कि है मॉइस्ट डेसीडस या फिर आद्र पर्णपाती। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी,
आद्र पर्णपाती वन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला है, लेकिन एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण कौन सा है? हमने इसके बारे में देखा है ऑलरेडी, जब हमने ट्री लाइन डिस्कस किया था या फिर वृक्ष रेखा डिस्कस किया था, कोर्स में भी डिस्कस किया था और एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था। देखिए, जब हम पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की बात करते हैं, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में जो विसंगति देखने को मिलती है, सबसे पहली वो होती है अक्षांशीय विसंगति। हमें पश्चिमी हिमालय का विस्तार लगभग 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक देखने को मिलता है और पूर्वी हिमालय का अधिकतम विस्तार लगभग हमें 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक देखने को मिलता है, जिस कारण से पश्चिमी हिमालय में हमें तापमान कम देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वी हिमालय पर हमें तापमान अधिक देखने को मिलेगा। तापमान अगर पश्चिमी हिमालय में कम है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी कम देखने को मिलेगी, और वृक्षों के या वनस्पति के उत्पत्ति और विकास के लिए ये दो चीजों का ही कॉम्बिनेशन काम करता है। फोटोसिंथेसिस, आपको पता होगा कि वृक्ष खाना बनाते हैं, एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्या चाहिए? H2O। क्लियर है? तो तापमान और वर्षा की मात्रा किसी भी स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति की उत्पत्ति एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिनय अदा करती है। तो अब पश्चिमी हिमालय में तापमान कम है, वर्षा कम है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो वनस्पति होंगे वह उतने विकसित नहीं होंगे जितने विकसित हमें पूर्वी हिमालय पर देखने को मिलते हैं। अब इस कारण से अगर हम पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई पर चलते जाएंगे, जमीन से सतह से ऊपर की ओर जाते रहेंगे, तो 3000 मीटर तक ही हमें प्राकृतिक रूप से वनस्पति उगते हुए देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी और प्राकृतिक रूप से वनस्पति भी वहां पर उगते हुए नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्वी हिमालय में वर्षा की मात्रा भी अधिक है, तापमान की मात्रा भी अधिक है, इसका मतलब वनस्पतियों के लिए अनुकूल परिस्थिति भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में है, जिस कारण से वहां पर वनस्पति हमें काफी ऊंचाई तक विकसित होते हुए देखने को मिलेगी। लगभग 4000 मीटर तक हमें वनस्पति देखने को मिलेगी। तो सबसे उपयुक्त कारण इन सारे ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो अक्षांशीय स्थिति की बात हुई है तो ऑप्शन बी इसका सबसे सही व्याख्या होगा कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। हमने अक्षांशीय स्थिति से ही इन सारी कहानी की शुरुआत की थी। क्लियर है? तो चलिए सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चट्टानों पर आधारित यह प्रश्न है। प्रश्न कहता है, परतदान चट्टानों के विषय में, सेडिमेंटरी रॉक्स की बात हो रही है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित हैं। बिल्कुल सही। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित तो होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले या सबसे वृहद तौर पर फैले हुए चट्टान कौन से हैं, कौन से शैल समूह के होते हैं? तो होते हैं आर्कियन शैल समूह या आर्कियन रॉक सिस्टम। ये सबसे पहला परत है और इसलिए इसे बेस कहा जाता है बाकी चट्टानों के लिए। सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम डेवलप हुआ, आर्कियन शैल समूह विकसित हुआ और इसके बाद इनके वेदरिंग से, इनके टूटने से, इरोजन से, निक्षेपण से कई प्रकार के अन्य अन्य शैल समूह निर्मित हुए। क्लियर है? तो पूर्व विद्यमान चट्टान इसमें बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि परतदार चट्टान अगर आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर से ये टूटे होंगे और टूट कर कहीं पर परत दर परत इनका जमाव हुआ होगा और तभी ये परतदार चट्टान बने होंगे। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप पृथ्वी की सतह देखते हैं उसमें वनस्पति उग गए और वनस्पति के जो आप पत्ते देखते हैं जब वह भी क्या होते हैं, सतह पर चले आते हैं तो उनके ऊपर भी लेयर बनता जाता है, तो जीवाश्म वहां पर भी होंगे, जीव जंतुओं के भी जीवाश्म उस लेयर पे हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, जाहिर सी बात है इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहा गया है। इन कतरों में से कौन से सही हैं? तो सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? देखिए जीवाश्म कहां नहीं पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा चट्टान जब उसका निर्माण हुआ हो, क्लियर है, और उसके निर्माण के समय पृथ्वी पर जीव जंतु उपस्थित नहीं हुए, तो अगर जीव जंतु उपस्थित नहीं थे किसी चट्टान के निर्माण काल में तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार का चट्टान कौन सा है? तो ग्रेनाइट है। क्लियर है? ये सबसे पुराने शैल समूह का भाग है ग्रेनाइट। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो बहुत लंबे समय काल तक हम बहुत विस्फोट गर्म लावा को बहते हुए देख रहे थे, तापमान बहुत ज्यादा था, और जब सबसे पहले परत बना वो लावा जब ठंडा हुआ तो जो चट्टान बना वो आर्कियन शैल समूह बना, उसके अंतर्गत आप ग्रेनाइट को रख सकते हैं। क्लियर है? और जाहिर सी बात है कि उस समय जीवों की उत्पत्ति के लिए या लाइफ के लिए पृथ्वी में अनुकूल परिस्थिति नहीं बनी थी, और इस कारण से ऐसे चट्टानों में, ऐसे शैल समूहों में हमें जीवाश्म की उपस्थिति नहीं देखने को मिलती। क्लियर है? तो चट्टानों के बारे में जब आप पढ़े तब आप ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा अलग हटकर भी उनको देखें। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि कौन सा चट्टान है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, और उन चट्टानों से किस किस प्रकार के मिनरल्स या खनिज हमें निकलते हुए देखने को मिलते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा अलग हो गया, जहां पर चट्टानों के निर्माण काल, उनके विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इतने ही प्रश्न को इस वीडियो पर हम देखते हैं, बाकी टॉपिक पर आधारित प्रश्न हम अगले वीडियो पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।